शुक्रवार की रात जुनवानी बस्ती में एक ट्रक के अचानक घुस जाने से बड़ा हादसा होने से टल गया। रोड सक्रिय होने के कारण एक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस घटना के विरोध में स्थानीय नागरिकों ने वार्ड पार्षद के साथ मिलकर थाने का घेराव कर अपना आक्रोश जताया। माहौल खराब होता देख पुलिस ने शांत कराने का प्रयास किया, तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कहा सुनी हो गई। आइए सुनते हैं नागरिकों की पीड़ा। छत्तीसगढ़ मातारी के अपन आश्रम है, ये हमारे बैठे के रीजन सबसे बड़े ये है कि आज जो है हमारे सरकारी स्कूल कोरोना काल के बाद, कोरोना के भीषण महामारी के बाद आज चालू हो चुके हैं, जे में लेकर मन के आवन जावन लगे हैं। ठीक है, ये रोड जो चौड़ीकरण होना रही, दो मिनट भाई, ये रोड जो चौड़ीकरण में होना रही से IIT के वजह से वो आज रोड के आज पेच वर्क नहीं हो पाए, ओमे लईका मन नान नान मन गड्ढा में जेमे अगर एक पैर के अगर मारे डूबा थे तो एक पैर ऐसे ऊपर रखे लगा। तो आज जो है दो दिन से लगातार कंप्लेन वार्ड के पार्षद कंप्लेन, ओकर बाद ये आपके बाजू में ये 18 से 20 चक्का के ट्रक खड़े जो आज नहर से जाने वाला पाइपलाइन तोड़ करके है ना, जो आज तक हम निगम में वो कंप्लेन ना दे, जेकर आज तक निराकरण नहीं हुए। और ओकर बाद अगर जब ये मुद्दा गरमाते ओकर बाद निगम के बड़े बड़े अधिकारी आते हमारे से जांच पड़ताल करे बार कि यहाँ ऐसा क्या हो गया कि, लेकिन हमला ये मालूम है ये रोड चौड़ीकरण होना है, जब कैनाल रोड भिलाई नगर निगम के अंतर्गत कुर्सी पार तक बन सकता है तो कुर्सी पार के बाद बनने में क्या दिक्कत है? कुर्सी पार के बनने के बाद क्या दिक्कत? क्या हमारे यहाँ कैनाल रोड नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। यहाँ पे डेली 5,000 रहे हो, आप उलझा तो अभी आके अभी खबर आओ, अभी खबर आओ, जब आपने तकलीफ हो तभी आओ, जब आपने तकलीफ हो तभी आओ ना, आप खबर उलझा दो तुम।